हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है डीप न्यूड। तो देखेंगे इसमें हम लोग आखिर समाज हेतु अभिशाप क्यों है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि डीप न्यूड किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, डीप न्यूड के बारे में जानेंगे, कौन एक डीप न्यूड उत्पादन कर सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे, समाज पर इसका क्या प्रभाव है उसे भी हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI क्या है इसे भी देखेंगे, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है उसे भी देख लेंगे, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के उद्देश्य क्या है उसे भी हम लोग जान लेंगे, और आप खुद की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। डीप न्यूड, भारत में साइबर अपराध अधिकारी कुछ ऐसे ऐप और वेबसाइटों पर नजर रखते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम का उपयोग करके निर्दोष व्यक्तियों की नग्न तस्वीर बनाते हैं। इसके बाद इन तस्वीरों का इस्तेमाल पीड़ितों को ब्लैकमेल करने, बदला लेने या फिर सोशल नेटवर्किंग और डेटिंग साइट्स पर धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं डीप न्यूड के बारे में। साइबर क्रिमिनल एक मौजूदा वीडियो, फोटो या फिर ऑडियो पर डिजिटल कंपोजिट कई मीडिया फाइलों को अंतिम रूप देने के लिए इकट्ठा करना, उस पर इम्पोज करने के लिए ऐप्स और वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। डीप न्यूड की कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियां और वीडियो मार्च 2018 में रेडिट पर यूज फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का एक नकली वीडियो सामने आया। फेक ऐप नाम की एक ऐप का इस्तेमाल एक पोर्न स्टार के वीडियो पर उनका चेहरा दिखाने के लिए किया गया था। 2017 में इंटरनेट पर अभिनेता गैल गैडोट का एक अश्लील वीडियो सामने आया था, और आप भी कई बार देखते होंगे अक्सर इस तरह की फेक वीडियो जो किसी नेता के चेहरे पर दूसरे का चेहरा लगा देते हैं, या वीडियो में एडिटिंग करके इस तरह से पिक्चर्स दिखाते हैं। तो ये सभी इसी तरह से होती हैं। अन्य डीप फेक वीडियो में डेजी डेजी रेडेल रेडले, स्कारलेट जोहानसन, मैसी विलियम्स, टेलर स्विफ्ट और ओम्बे पिलाजमा के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग किया गया, और यह केवल डीप न्यूड तथा अश्लील साहित्य तक सीमित नहीं है। 2018 में कॉमेडियन जॉर्डन पील ने वीडियो बनाने के लिए एडोब आफ्टर इफेक्ट्स और फेक ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वराक ओबामा हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर पर अपनी राय देते हुए और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का एक हिंदी वीडियो संदेश अंग्रेजी ऑडियो के साथ बनाया गया था। बात करते हैं कौन एक डीप न्यूड उत्पादन कर सकता है। अगस्त 2019 से एक CSIRO स्कोप लेक के अनुसार एक ठोस डीप केक बनाना सामान्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए एक अप्रत्याशित उपलब्धि है, लेकिन मशीन लर्निंग के उन्नत ज्ञान सामग्री के एक टुकड़े को डिजिटल रूप से बदलने के लिए आवश्यक विशिष्ट सॉफ्टवेयर और फोटोग्राफिक वीडियो और ऑडियो सामग्री के लिए पीड़ित के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया फाइल तक पहुंच ऐसा कर सकता है। फिर भी विभिन्न वेबसाइटों एप्लीकेशन हैं जो AI ने उनमें बनाए, जो एक लैब उपयोगकर्ताओं के लिए डीप फेक और डीप न्यूड बनाना बहुत आसान बना दिया है।
जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा, डीप फेक की गुणवत्ता की भी बेहतर होने की उम्मीद है। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, अभी जो आपका टिकटॉक वाला है तो उसमें कहाँ आपको मुंह साथ में उससे मिलाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता हो, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसी तरह का मामला है आपका। एक टेक्नोक्रेट्स के अनुसार एडोब बोको जैसे टूल के उद्भव के साथ फेस टू फेस एल्गोरिथम जो रिकॉर्ड किए गए वीडियो को रियल टाइम फेस ट्रैकिंग और ओपन सोर्स कोड के साथ स्वैप कर सकता है। ऐसा करने और कहने वाले लोगों के लिए विश्वसनीय वीडियो बनाना आसान हो रहा है, जिससे अप्रत्याशित वीडियो आ रहे हैं। बात करते हैं इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि तकनीकी का दुष्प्रयोग। बढ़ती तकनीकी के दौर में जहां आज संपूर्ण विश्व निरंतर तकनीकी पर निर्भर हो रही है, तो वहीं तकनीकी का इस प्रकार अनुचित प्रयोग अन्य तकनीकी कार्यों के लिए भी समस्या उत्पन्न करेगा। डी फ्रेम महिलाओं के विरुद्ध। आज भी समाज के कई वर्गों में महिलाओं की स्थिति बदतर है। ऐसे में डीप न्यूड एप्लीकेशन का प्रयोग कर पितृसत्तात्मक शक्तियां महिलाओं को समाज के हाशिए पर ले जाने का प्रयास करेंगी। युवा वर्ग पर प्रभाव की बात करें तो इस प्रकार के यंत्र कहीं ना कहीं समाज की युवा वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इस प्रकार के एप्लीकेशन कहीं ना कहीं युवा वर्ग की मानसिकता को दिग्भ्रमित करेंगे। समाज के सद्भाव के विरुद्ध इस प्रकार के एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं फेक न्यूज बदलने की राजनीति में प्रयुक्त होंगे, जो सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध होंगे। पर्याप्त नैतिकता के विरुद्ध इसका प्रयोग एक तरह व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा को वहीं कहीं ना कहीं सनकी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को अवसर देगा, कहीं ना कहीं नैतिकता के ये विरोध होगा। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप इस प्रकार फोटो या फिर वीडियोज में परिवर्तन कर साक्ष्यों के साथ से छेड़छाड़ किया जा सकता है, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जो मनुष्य की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। यह शब्द किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है, जो मानव मन से जुड़े लक्षणों जैसे कि सीखने और समस्या को सुलझाने में प्रदर्शित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी विशिष्ट कार्यों को तर्कसंगत बनाने और लेने की सर्वोत्तम क्षमता है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। इस प्रकार के मुद्दों के निदान हेतु 2013 से पहले कि भारत की कोई साइबर सुरक्षा नीति नहीं थी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नीतिगत रूपरेखा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाना है। यह नीति सूचनाओं जैसे आपका उपयोगकर्ता एवं वित्तीय और बैंकिंग को सुरक्षित रखने का इरादा रखती है। सूचना और संप्रभु डेटा यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लीक के मद्देनजर विशेष रूप से प्रासंगिक था, जिसने सुझाव दिया था कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियां भारतीय उपयोगकर्ताओं पर जासूसी कर रही हैं, जिनके पास इसके खिलाफ कोई कानूनी या तकनीकी सुरक्षा उपाय नहीं है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर स्पेस को एक जटिल वातावरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर सेवाओं, सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी की दुनिया भर में वितरण द्वारा समर्पित लोगों के बीच बातचीत शामिल है। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत
निम्नानुसार उद्देश्यों को परिभाषित करता है। देश में एक सुरक्षित साइबर पर्यावरण बनाने के लिए आईटी सिस्टम में पर्याप्त सुदृढ़ता व विश्वास उत्पन्न करने, जिससे साइबर स्पेस में लेन देन करना, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आईटी को स्वीकारना सम्मिलित है। अनुरूपता मूल्यांकन, उत्पाद प्रक्रियाएं प्रौद्योगिकी और लोगों के माध्यम से सुरक्षा नीतियों और वैश्विक सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल अनुपालन के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सक्षम करने के लिए एक आश्वासन ढांचा तैयार करना। एक सुरक्षित साइबर स्पेस इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिनों तंत्र को बढ़ाने और बनाने के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रणनीतिक जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रियाएं संकल्प और संकट प्रबंधन के लिए प्रभावी पूर्वानुमान निवारक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति कार्यों के माध्यम से परिदृश्य बनाना। ऐसे उत्पाद की सुरक्षा के परीक्षण और सत्यापन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करके आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की अखंडता के दृढ़ता में सुधार करना। कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में कुशल 5 लाख पेशेवरों के लिए कार्यबल बनाने के लिए क्षमता निर्माण, मानक सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना, प्रक्रिया के दौरान सूचना के संरक्षण को सक्षम करना है, संभालना है भंडार तथा पारगमन करना, जिसके फलस्वरूप नागरिकों को के डेटा को गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके और साइबर अपराध या फिर डेटा चोरी के कारण आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। अब आप खुद की रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं? जबकि आपकी छवियां को डाउनलोड या दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखना आसान नहीं, अपने आप को बचाने के लिए सबसे अच्छे तरीका यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गोपनीयता सेटिंग्स का उपयोग कर रहे हैं जो आप स्वयं अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी अनुमति के बिना आपकी छवि का उपयोग किया गया है तो आप उन छवियों को खोजने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रिवर्स इमेज सर्च टूल का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी ही छवि के समान है। ये याद रखिए, इसमें आप पासवर्ड देखा होगा जीमेल पर 2-फैक्टर पासवर्ड आ चुका है, मतलब आपके नंबर पर जब तक ओटीपी नहीं आता है, जिस तरह से नेट बैंकिंग हो गया इस तरह से पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप लोग। आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि आप किसके साथ वेब पर बातचीत कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, उनकी छवियों पर टिप्पणी और क्या समान प्रोफाइल मौजूद है यह निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकती है कि व्यक्ति वास्तविक है या नहीं। तो चलिए, ये था आपका डीप न्यूज़।